अभी और स्वागत करता हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको दिखने को मिल रहा है तो डिवाइस में, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। ये प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसको कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले आपका सेटिंग पर जाएंगे, तो आपको एक एक करके स्टेप बता देता हूँ। तो सेटिंग पर जाएंगे, सेटिंग पर जाने के बाद आपको, तो आपको ऐप्स पर जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको मैनेज ऐप्स में जाना है। इसके बाद यहाँ पर सर्च कर देंगे सिस्टम यूआई, थोड़ा फोकस ले लो भाई, सिस्टम यूआई। यहाँ पर सिस्टम यूआई सर्च कर देंगे, यहाँ पर सिस्टम यूआई आ गया। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पर क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद यहाँ पर पोस्ट अप कर देना है, और इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। और सेकेंडरी में और एक चीज़ आप करना है, सेकेंडरी इसको क्रॉस कर देता हूँ। अपडेटर, अपडेटर सर्च करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपडेटर, जो आप अपडेट करते हैं मोबाइल को, वो एप्लीकेशन है। यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पर आप इसको, तो यहाँ पर क्लियर डाटा है, यहाँ पर मेंशन किया है क्लियर ऑल डाटा, यहाँ पर कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। और पोस्ट अप भी कर देना। तो इसके बाद आप सिंपली कुछ नहीं करना है, बैक कर जाना है। बैक कर जाने के बाद आपको रिबूट कर देना है, डिवाइस को रिबूट कर देना है एक बार। इसके बाद आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम एरर दिखने को नहीं मिलेगा। तो एक व्यूअर्स ने मुझे ये बताया था, वो सब्सक्राइबर है मेरा, तो वो बताए थे कि ये प्रॉब्लम दिखने को मिला है, और मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी बताए थे कि ये प्रॉब्लम दिखने को मिला है। तो वो भाई का नाम मैं बता देता हूँ, वो इनका नाम है संतनु। वो मुझे ये स्क्रीनशॉट भी छोड़े थे, क्यों, वो रेडमी 9 प्राइम यूजर है, तो इनका डिवाइस में अभी पुराना वाला वर्षन यूज हो रहा है, जो कि MIUI 12 का है। MIUI 12.0.3.0 के ऊपर ये मोबाइल अभी अटका पड़ा है, इसलिए मुझे वो टेलीग्राम चैनल पर बताया थे कि मुझे ये प्रॉब्लम दिखने को मिला है। तो इसलिए मैं इनको एक रोम भी बताया था कि इसे डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा। MIUI 12.5.1 के ऊपर जो अपडेट आया था, इसके बाद वो अपडेट आया था, लेकिन इनको नहीं मिला है अभी तक। Redmi 9 Prime में MIUI 12.5.2.0 के ऊपर अभी अपडेट आ गया, लेकिन इनको MIUI 12.5 का फास्ट अपडेट भी नहीं मिला है। तो देखते हैं ये करने के बाद इनका सॉल्व होता है नहीं। तो सॉल्व हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल यहाँ पर दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो सकते हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।